हमें एक सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या इस डिजिटल एज ने जेंडर इंबैलेंस को ठीक किया है? क्योंकि हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या इस डिजिटल एज ने गरीबी और अमीरी के फर्क को मिटाया, क्या क्लास के चीजों में फर्क कितना लाए, कहां हम आज भी खड़े हैं या नहीं है। और उस राजनीति से मुझे लगता है कि हमें इस पूरे चीज को देखना चाहिए, क्योंकि अंत में हम जैसे लोग तो एक राजनीतिक सवाल के साथ गए, एक समानता के सवाल के साथ गए, एक इक्वालिटी के खोज में गए। एक संगठन बनाया इसलिए क्योंकि वो समानता हट सके, वो संगठन बनाना भी एक तरीके का टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एक डब्बे में बंद टेक्नोलॉजी तो किसी सूरत में नहीं है, लेकिन वो संगठन बनाना, वो गरीबों के द्वारा, वंचित लोगों के द्वारा बनाया गया एक सिंपल सा सलूशन है कि हम इकट्ठे होंगे तो हम चीजों को बदल सकेंगे। और अंत में संजय का बदलाव भी उसी से हुआ, नॉर्थी का बदलाव भी उसी से हुआ, नॉर्थी की जिंदगी में जब उसने संगठन बनाया 1983 में बहुत बड़ी जीत जीती। टेक्नोलॉजी जो नॉर्थी ने कहा वो बात बिल्कुल सही है, टेक्नोलॉजी वो सीख गई कंप्यूटर जो उसके लिए बहुत कठिन है। It's an incredible struggle that Northy did it. It's an amazing thing at the age of 50 or 55. सीखना अंग्रेजी में, हाथों में रट के उस माउस को समझना, उस सारे चीजों को समझना। She did it, which is an incredible thing, and we hear the incredulity in that story. लेकिन असली सल्यूशन तो वो संगठन था, असली सोल्यूशन तो वो पॉलिटिक्स के पावर के चेंज में था। और पूछना हमें पड़ेगा ये सवाल हमारे आप से, अपने आप से हर क्षण, दैट इन दैट बेसिक इंबैलेंस ऑफ पावर वेयर डू वी स्टैंड, आर वी गेनिंग और आर वी लूजिंग और आर वी वेयर वी आर, एंड आर वी वेस्टिंग आवर टाइम और आर वी यूजफुली एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा भ्रम, इस डिजिटल टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा भ्रम है कि यू कैन गेट लॉस्ट इन अ वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा सीख तो ये था कि जब लोग सवाल पूछने लग गए तो वो सवालों के नर्व सेंटर्स में आए, वरना इंफॉर्मेशन ओवरलोड में तो आप और हम मर जाएंगे। लोग हमें सूचनाएं देते रहेंगे और हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये पूरा ओपन डेटा इतना बड़ा भ्रम है पूरी दुनिया में, क्योंकि अब हम जानते हैं ओपन कर दो ओपन कर दो ओपन कर दो, तो वो वास्तव में क्या ओपन कर रहे हो, क्या करेंगे उसके साथ, क्या होगा। ओपन करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, क्या है बदलाव के लिए जो लाया जा सकता है, वो इंसान जानता है जो इस टेक्नोलॉजी डेटा इन सब चीजों से बहुत दूर है, क्योंकि उसके जिंदगी पर he lives it on his or her skin। जैसे वो जो व्यक्ति आता है हमारे पास अपनी जमीन के कागज लेके, अनपढ़ व्यक्ति, वो लाता है वो कागज और वही इंफॉर्मेशन का पार हमें समझ में आया, इतना बड़ा शीफ लाएगा, जिंदगी भर अपने जमीन के लिए लड़ते रहा और लाएगा और कहेगा कि इसमें हमें सलूशन बताओ क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसको आज तक होप है कि कहीं ना कहीं वो कितने ही कोर्ट केसेस में उलझा है, और आपको पता है ये अनपढ़ है, लेकिन ये कहेगा 18वें पेज पर चौथे लाइन पर ये मेरा पहला जांच हुआ। फिर वो पलटेगा और वो दिखाएगा कि यहाँ फिर SDM साहब आए, फिर पलटेगा और कहेगा कि यहाँ ये पहला कोर्ट केस लगा, फिर दिखाएगा सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, इसमें ये चार लाइन है जो हमारे केस से जुड़ा हुआ है, पूरा वो रटा हुआ है, उसको समझ है उसकी पूरी फाइल का, जानता नहीं है एक भी अक्षर उसके अंदर, तो उसको ही और शी, दे ऑल नो द नर्व सेंटर्स ऑफ दैट पार्ट। सो आई वेरी क्विकली गो बिकॉज़ थोड़ा सा टाइम डिस्कशन के लिए भी मुझे लगता है हमें रखना चाहिए, और बहुत अच्छा बोले हैं ये तीनों, तो मेरे वास्तव में उस रूप में बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने, इसी The politics of digital technology, the politics of gender governance and digital technology, which are the three questions, the intersection of which आपने कहा कि चीजों को आप देखना चाहते हैं। एक तो इन सारे शब्दों में भी एक बहुत बड़ा खेल, गो
गुड गवर्नेंस इतना बुरा है, इतना मेल शोविनिस्ट है. बी अ गुड गर्ल एंड हैव अ गुड गवर्नेंस, एक ही बात है. जैसे छोटी लड़कियों को सिखाते हैं कैसे होना चाहिए, वैसे वर्ल्ड बैंक हम सबको सिखा रहा है कि कैसे गुड गवर्नेंस होना चाहिए. और उसके और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के बीच में कितना बड़ा अंतर है, और हम उस गुड गवर्नेंस के चक्कर में गुड गर्ल्स होने के ऊपर हमारे ऊपर एक थोपा जा रहा है. इसमें बहुत सारे आयाम हैं, मैं उसके अंदर जाऊंगा नहीं, बट देयर आर टू मेनी टू गो इनटू द होल आइडिया ऑफ व्हाट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मींस. जेंडर को डिजिटल टेक्नोलॉजी में घुसा के एक फ्रीडम तो है, लेकिन पावर का चेंज फेस टू फेस, और वो फेस टू फेस बिकॉज एंड स्पेशली इन जेंडर, बिकॉज नॉट ओनली इज द पर्सनल पॉलिटिकल, द पॉलिटिकल इन जेंडर टू मी इज इंटीमेट, इट्स इन अ वेरी इंटीमेट स्पेस ऑल्सो, एंड चेंजिंग दैट पावर इन दैट इंटीमेट स्पेस is also a very different, quite different from what the internet and its freedom offers. So in power relationships of face to face, और ये मुझे बहुत लगता है from गरीबी अमीरी के issues में, अंत में उस सरपंच का सामना करना पड़ेगा, उस ठाकुर का सामना करना पड़ेगा. कागज हम निकाल लेंगे, लेकिन संजय को उस मुखिया का सामना करना पड़ेगा, ताकि मुखिया को मानना पड़ेगा कि हाँ, संजय जैसे सैकड़ों आदमी और औरत हैं जो मेरा सामना करके मुझे वापस मेरे जगह टिकाएंगे और रखेंगे. तो ये भी चीज, जब हम कहते हैं कि इंटरनेट का इतना बड़ा एक स्पेस है जो हमें एक जगह देती है इन अ सेंस वेर वी डोंट हैव, वेर वी कैन हाइड आवर आइडेंटिटी. But there is another side to it that we certainly understand in the sense of struggle and struggle of changing of power relationships. So, family, caste, village, in sab jagahon mein kabhi badlav nahi aane wala hai jab tak hum aamne saamne badlav ko dekhenge nahi, jhelenge nahi, manenge nahi, sangathit hoke badlenge nahi. To wo usme internet, usme digital technology kitna kahan क्या कैसे काम आ रहा है और कैसे काम आना चाहिए. जैसे मुझे लगता है ये संजय बाय द वे बिल्कुल अनफंडेड ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल ग्रांट्स नहीं लेते हैं, एमकेएसएस भी नॉन फंडेड है. इस वजह से आप कुछ किस्म के संघर्ष कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ चीजों में उसमें सहयोग, जैसे ये रेडियो फोन, टेलीफोन रेडियो वाला जो उसका है, उसने काम में लिया और बहुत यूजफुल है. लेकिन इट इज यूजफुल फॉर वन पर्टिकुलर एक्सरसाइज, इट्स नॉट दैट विदाउट दैट ही कुडंट रीच 150 विलेजेस, ऐसा नहीं, लेकिन इट हैज बीन यूजफुल एंड ही फील्स दैट. व्हाट वुड बी अ मिस्टेक इज टू फील दैट दैट इज व्हाट हैज एनेबल्ड एवरीथिंग, दैट वुड बी अ क्रूशियल मिस्टेक. इट इज समथिंग दैट हैज एनेबल्ड समथिंग एंड इट्स टेकन दैट मच फॉरवर्ड एंड वी शुड रिकॉग्नाइज इट फॉर व्हाट इट इज, इसने इतना उनके लिए किया. And technology defining information. To me, the RTI's single biggest technology is who asks the questions and who has to give the answers. सवाल कौन define कर रहा है, जवाब किसको देना है, वो RTI का, भारत के RTI का सबसे बड़ा strength है कि लोगों ने कहा हम सवाल पूछेंगे, आप जवाब देंगे, आप हमें नहीं बताएंगे कि हम क्या देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं, हम बताएंगे कि आपको क्या कहना पड़ेगा हमें. और उसके पीछे आरटीआई का पूरा मूवमेंट जो इस पूरे देश में इतना फैला है और गया है, और इसीलिए उसका कॉन्ट्रास्ट है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां मैनेजमेंट कह रहा है कि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएंगे. बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है उस दोनों के बीच में, और इसीलिए हम उस इवन इन प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर एंड इवन इन मैनेजिंग इंफॉर्मेशन वी वांट, दैट्स व्हाई a janta information system where people will define what is to be in that, not some manager somewhere defining how information is to be organized and arranged. So anyway, technology to my mind actually, and I can, this is something we'll have to argue about, but I feel that technology is not neutral.
I feel by and large technology, including mechanical technology, digital technology, and all many of the forms of modern technology, which are genetic, which are all these kinds of engineering, are actually biased against the poor, and they are biased against marginalized communities, and they continue to further marginalize them. And that does not mean that that's all the more reason, like that person jo unpad hai, wo apne sheaf of papers ko samajhta hai ki kitna oppression hai uske through, to usko samajhna padega un kaagzon ko. To hume bhi samajhna to padega. That's not to say at all that we should ignore it. It's all the more reason that we should understand it, because we have to understand the weapons that are used against us also, and occasionally fashion weapons out of these that we can use against our oppressors. But technology, to my mind, by and large, is biased against the poor. And digital technology, it's like that, that all of us are equal in the world of digital technology, but some people are more equal than others. And the some people who are more equal than others are those who speak English, or those who go to fancy schools, those who have computers from the time they were born, those who get every new hardware and software as it comes along. And in digital technology, there is also a big question of hardware. Even open source software is something that we can all get into. Theek hai, bahut bright minds hai, Sanjay jaise log kai saare cheez contribute karne lag jayenge. Lekin hardware to kuch hi commercial logon ke haathon mein hai, aur wo bahut kuch determine karta hai. To usme bhi nahi jaunga kyunki bahut bada sawal hai. Aur sare bade sawal hai. UID, surveillance, tracking, the efficiencies of biometric. ये सारी चीज ऐसा नहीं है कि biometric को हम फिर से कह सकते हैं ये सब बकवास है, आ गया आएगा, उसमें कई सारे hypes हैं, कई सारे चीजें हैं, लेकिन कई सारे जगह काम भी आता है. लेकिन मुझे वो गोपाल गांधी का एक quote याद आता है UID के बारे में, जब उसने कहा कि we must be careful. और ये फिर से आरटीआई का पर्सपेक्टिव है, जो सौम्या ने दिन में कहा, जो संजय कह रहा है, कि इज दिस गोइंग टू बी अ टेक्नोलॉजी बाय विच गवर्नमेंट वॉचेस एवरी मूव ऑफ एवरी सिटीजन एट ऑल टाइम्स, और डू वी वांट टू इवॉल्व विद अ सिस्टम वेयर एवरी सिटीजन कैन वॉच एवरी मूव ऑफ गवर्नमेंट एट ऑल टाइम्स. दैट्स द बेसिक पर्सपेक्टिव. एंड यूआईडी इज अ कंट्रोलिंग मैनेजमेंट बोथ इंफॉर्मेशन and management system. It is to manage a whole population in a certain fashion, which is what the frightening part of all that is. Even if UID, you leave out the surveillance part, it is actually a management system at all times, where one manager can manage, supposedly. They never can, but this supposedly. So that's why that term. And then, therefore, the last thing that I want to say is that, or last two things, that in women's empowerment, in the question of women's empowerment, all these fantastic stories like Northeast story, which is an incredible story. I don't think actually, if you go through Northeast life, it is an incredible story. But Northeast is one person and one life against all odds. And even today, that's why aaj yahan aate aate maine Northeast se pucha ki tumhare jo gajab ka kaam apne panchayat mein kar rahi hai, kya kar rahi hai? कि कब्रिस्तान के ऊपर कब्जा है 40 सालों से, और उसके गांव में मुसलमानों को कोई जगह नहीं है अपने लोगों को दफनाने के लिए. खड़ी हुई और उनको वहां से खाली किया. वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स, वेयर देयर इज अ कंप्लीट माइनॉरिटी ग्रुप व्हिच इज मैनेज्ड एज अ दलित सरपंच टू गेट द कब्रिस्तान रिमूव्ड. टेक्नोलॉजी का क्या role in all her major achievements. Northeast has actually in reflection, Northeast ne kaha ki main to seekh gayi lekin hamara payment delay ho raha hai, hamara computer operator nahi hai, hamara equipment kharab ho raha hai. Us technology mein badlav in what? Power relationships. Aaj wo ek medical center ke liye phir se नाजायज कब्जा हटाने के लिए जिद जा रही है. वो सारे सवाल, चाहे दलितों के हो, चाहे महिलाओं के हो, चाहे दूसरे चीजों के हो,
वहां नॉर्थी के लिए आज की तारीख आगे आएगा और नॉर्थी इसलिए सीखिए और सीखना चाहिए या संजय सीख रहा है और सारे लोग काम में ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत एक्सेप्शनल स्टोरीज हैं और उस एक्सेप्शनल स्टोरीज में भी एक माइनर रोल है, क्रूशियल बट माइनर. देयर आर मेनी अदर क्रूशियल पॉइंट्स इन द स्टोरी ऑफ दैट चेंज. संजय के स्टोरी में क्रूशियल है, सही बात है. संजय बिना उस इंटरनेट ढाबे के ना तो मैं और संजय मिलते तो मेरे लिए बहुत बड़ा सीखने का मौका तो नहीं मिलता, लेकिन संजय को भी इस पूरी दुनिया में घुसने का मौका नहीं मिलता. लेकिन संजय ने ऐसे 50 चीज किए जैसे वो इंटरनेट ढाबा वाला है अपने संघर्ष में ताकि वो वहां पहुंच सके, जिसमें एक इंटरवेंशन है या दो इंटरवेंशन है टेक्नोलॉजी रिलेटेड. तो वी कैनॉट कंप्लीटली लोड आवरसेल्व्स ऑनटू दैट, वी कैनॉट लूज sight of that because there are those very crucial interventions that take place in all our lives, but we cannot overload it and we cannot lose sight therefore of the final question, which is a political question, which is the basic question, which is of power relationships, which is of class, which is of caste, which is of gender inequalities, which is of money, which is of how much we earn, which is of us having the cake and eating it too, which is of those of us who know where change has to come but still spend our time looking in other places for that change to come, and we know basically what the questions are.